कितने लोग लगे हुए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग। पानी निकल पड़ा भाई दीवार से, इंक्रोचमेंट है। और यहाँ पे ये ताफ्तान और रोटियाँ बन रही हैं, ये तंदूर इनका पूरा इंक्रोचमेंट है। वो दीवार है पीछे वाली इनकी, हद मुकम्मल तौर पे ये हाजी महफूज शीरमाल हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस वक्त शाहरा पाकिस्तान फेडरल बेरिया में वाटर पम्प चौरंगी के पास, और यहाँ पे महफूज शीरमाल सैलानी और दीगर के साथ क्या हो रहा है, उन्होंने क्या क्या किया हुआ, आइए वीडियो में जानते हैं। ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। यह है मोहम्मद शीरमाल हाउस, काउंटर अंदर जाना शुरू हो गए भाई, पहले ही अंदर कर लेते। अभी भी ये जो बल्ब लगे हुए ना, ये सब भी शॉप से बाहर है, शटर आगे बढ़ा रखे हैं। क्या बेच रहे हैं? रोटी और नाम लिखा हुआ है मोहम्मदी शीरमाल, और ऊपर लिखा है इन्नल्लाहु यरज़ुकु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, बेशक। लेकिन कैसे लोगों को अल्लाह मियां क्या क्या दे रहा है और क्या कर रहे हैं लोग? निकलना शुरू हो गए मोहम्मदी शीरमाल हाउस के, और ये खींच के बाहर लेके जा रहे हैं क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है रखने की। चले भाई, लिफ्टर मंगवाया इन्होंने और इसको उठा रहे हैं। ये हो रहा है, दुकान अंदर खाली पड़ी हुई है और सामान बाहर रोड पे और फुटपाथ पे रखा जाता है। यहाँ बाकायदा शामियाना लगाया हुआ है, ये देखें आप, ये देखें आप, यहाँ से उठाया जाएगा। मजीद आगे से भी खाली किए जा रहे हैं। और ये लोड कर दिया है लिफ्टर पे, और अब इसको उठा के ट्रक पे डाल दिया जाएगा। कराची भर में ये कार्रवाइयाँ जारी हैं मुसलसल मुस्तकिल बुनियादों पर। ये रही मोहम्मदी शीरमाल हाउस, और ये लिफ्टर उठा रहा है अब शटर के अंदर से निकाल के लाएं। ये देखें बड़ी तेज़ी के साथ इसको बंद कर रहे हैं, ये जो भी साहिबान इन्होंने लगा रखे हैं। और ये रिक्शा ड्राइवर देखें रॉन्ग साइड आ रहा है, अब इसको वापस भेजा जा रहा है। ये देखें आप, ये इसी काबिल हैं, इन लोगों को इसी तरीके से डांट डपट करके वापस भेजना चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। लीजिए भाई, फोर्क लिफ्टर हमारा चल पड़ा है, और ये उठा के ट्रक पे लोड किया जाएगा। यार ऊपर चलो यार, और ये यहाँ पे तेज़ी के साथ अब जगह क्लियर करने का काम हो रहा है। पक्की तजावीज़ात बनी हुई है, देख रहे हैं आप, ये कोई बैरिंग वगैरह का काम होता है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं। पूरी की पूरी फुटपाथ पे कब्ज़ा किया हुआ है। बड़े हैमर के जरिए सब को तोड़ के क्लियर कर रहे हैं। ये गिर गया दरख्त, अब सबक सब सीख जाएंगे और ये दुकान के अंदर काम करेंगे अब अपनी। और ये हम पहुंच गए हैं महफूज शीरमाल हाउस पे, ये देख रहे हैं आप,
ये भी यहाँ से उठाई, ये है महफूज शीर माल हाउस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब लिखा हुआ है इस पर, माशाल्लाह खूब तरक्की हो रही है, पुरानी आयात लिखकर सारे काम किए जा रहे हैं। और ये इनका काउंटर निकाला जा रहा है, अब ये देखें, ये सब इंक्रोचमेंट है। और यहाँ पे ये ताफ्तान और रोटियाँ बन रही हैं, ये तंदूर इनका पूरा इंक्रोचमेंट है, वो दीवार है पीछे वाली इनकी हद, मुकम्मल तौर पे ये हाजी महफूज शीरमाल हाउस सब इंक्रोचमेंट है, देख रहे हैं आप सारे तंदूर, यानी कितने तंदूर लगे हैं गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तंदूर लगे हैं, और सब के सब टोटली ये सब इंक्रोचमेंट की जगह है, ये इनकी हद, ये है दीवार इनकी हद, और ये इतनी जगह इन्होंने घेर रखी है। अब आप सोचेंगे क्या कर रहे हैं, ये हाजी भी हैं, महफूज भी हैं, और शीरमाल हाउस भी, और कितने की रोटी है ये, 25 रुपए की रोटी है, ये दूध वाली, ये सादी रोटी 25 रुपए की दे रहे हैं ये। चले जी, काउंटर उठ रहा है इनका, लेकिन मसला इससे हल नहीं होता, इनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, और इनकी दुकान जितनी भी बाहर निकली हुई उसको तोड़ना चाहिए। ये लीजिए भाई, ये उठा लिया, और अब इसको ट्रक में लोड किया जा रहा है, ये हो रहा है काम। हाजी महफूज शीरमाल हाउस का काउंटर जब्त हो गया है, जबकि उनकी दुकान मुकम्मल तौर पे इंक्रोचमेंट है, टोटल इंक्रोच हुई हुई दुकान है ये दुकान के सारे तंदूर फुटपाथ पे बने हुए हैं। ये लीजिए, ये एक और तंदूर देखें आप, इसका नाम क्या है भाई, यहाँ भी कुरानी आयात लिखी हुई हैं, और ये सब तंदूर भी फुटपाथ पे बने हुए हैं, वो रहा पीछे शटर आपको नज़र आ रहा है, वो उसकी हद है, और ये कम से कम 10-12 फीट की जगह घेरी हुई है, और आगे ये फुटपाथ भी घेरा हुआ है, ये सब कब्जा है, नाजायज तजावीजात, जहाँ रोटी बनती है। और ये आगे चपली कबाब चटकारे वाले, ये दीवार का पोर्शन बना हुआ है, गीजर मेकर है, और ये दीवार इसकी तोड़ी जा रही है। हथौड़ा टूट गया भाई, निकल गया हथौड़ा, पानी निकल पड़ा भाई दीवार से। दीवार से पानी उबल गया भाई, और दीवार को मुकम्मल तौर पे गिराया जा रहा है। ये है अम्बाला कबाब हाउस, हर शख्स अपनी ताकत जोर आजमाई में लगा हुआ है, और बिलाखिर दीवार का आखिरी हिस्सा, और ये दीवार मुकम्मल तौर पे ख़त्म। चले भाई, क्लियर हो गई जगह भी इंक्रोचमेंट की, अम्बाला कबाब हाउस, और ये है पानी निकल रहा है भाई, ये पानी निकल गया भाई, ये लीजिए भाई। हथौड़ों की मदद से शेड वगैरह तोड़े जा रहे हैं, ये है कोयला कढ़ाई,
और ये यहाँ पर स्टेशन है, सबको निकाला जा रहा है। चलो भाई गोश्त का जायका। ये हैमर देखें, ये मारा हैमर। अरे वाह, ज़बरदस्त ताकत आजमाई हो रही है भाई, ये देखें। पूरी कुवत लग रही है, लेकिन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही ताकत। सराउंडिंग आप देख रहे हैं, ये सब मुख्तलिफ शॉप्स, दुकानें सब मौजूद हैं। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, उस पर लिखा है डू नॉट टच। चले भाई, देख रहे हैं आप कितने लोग लगे हुए इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लोग, 10 लोग मिलके इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। और ये लीजिए, ये शेड तोड़ दिया गया, ये शेड गिर गया। कितनी कितनी फिटों के हिसाब से कब्जा किया जा रहा है। चलो भाई, फुटपाथ से अब रोड की तरफ आमद हो गई है। और ये रहा लिफ्टर, तो व्यूअर्स ये देखें आप, उठाया जा रहा है। आप एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के आला अफसरान सब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ही सब काम हो रहा है इस वक्त। ये अब लिफ्टर की मदद से ट्रक पे डाला जा रहा है और एक साथी जख्मी भी हो गए हैं। शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी है, अदालती और हुकूमती वहाँ पर, और फुटपाथ और रोड पर होने वाले तमाम कारोबार अब करना नामुमकिन है। ये दूसरा पार्ट उठाया जा रहा है, देसी फूड। और ये सामने जनाजा जा रहा है सीलानी फाउंडेशन की बस पे। चले भाई, अब फोर्क लिफ्टर आ गया है और ये दूसरा कार्ड भी उठा के अब देखे जाएगा। उठा लिया इसने और अभी आगे बढ़ रहा है। देखा आपने फोर्कलिफ्टर किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? अली हैदर। अली हैदर, कितने अरसे से चला रहे हो ये? मेरे को 6 महीने हो गए। 6 महीने तुम्हारा अपना है? नहीं, किराए पर है। ये इनका केएमसी वालों से, केएमसी का है। ये किस पर से होती है? ये सामान वगैरह उठाने का। जहाँ पे कोक को भी उठाया
उठाया जा रहा है। अब ये कोक को उठा लिया है लोगों ने, भरी हुई भाई तुमने फंटा, ओ फंटा मौजूद है भाई। कोक का फ्रीजर उठाया गया, भाई जो लोग रोड पे और फुटपाथ पे काम कर रहे हैं अपना कारोबार अंदर लेके जाएं, अपनी दुकान में काम करें। और ये सिलानी के बकरे भी आते हैं जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।